ट्रेन में सफर करते हुए आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि ट्रेन की रूफ के ऊपर गोल या स्क्वायर टाइप का बॉक्स लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है, आपके मन में ये एक बार ख्याल जरूर आया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि वो क्यों लगा रहता है और उसका क्या काम होता है। अगर आप हमारे डिफरेंट जानकारी चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब जानते हैं बिना किसी देरी के। ट्रेन की रूप के ऊपर इस गोल या चौकोर बॉक्स के जस्ट नीचे इस तरह के छोटे छोटे छेद वाला एक स्पेस होता है। इस पूरे सिस्टम को ट्रेन रूप वेंटिलेशन सिस्टम कहा जाता है। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कि ट्रेन में इतनी सारी डोर्स और विंडो होती हैं तो ट्रेन को ये वेंटिलेशन सिस्टम की क्या जरूरत। चलिए एक एग्जाम्पल देख के हम लोग समझते हैं। आपने टीन सेट की छत वाले घर जरूर देखे होंगे। जब कभी तेज हवा चलती है तो उनके घरों में विंडो से हवा घुसती है और टीन सेट को तोड़ते हुए ऊपर से हवा निकल जाती है। एयर की प्रॉपर्टी होती है कि वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। ट्रेन के डिब्बे में जो अंदर हवा घुसती है वह ऊपर से पड़ने वाली सूरज की रोशनी या ट्रेन के डिब्बे में ज़्यादा भीड़ होती है तो उससे वह गर्म होकर ऊपर से निकलने की कोशिश करती है। इसीलिए रूप पर यह वेंटिलेशन दिया जाता है ताकि हवा आसानी से ऊपर से निकल जाए और कोच को कोई नुकसान ना हो। ये जो गोल या स्क्वायर बॉक्स होता है इसमें एक पूरा होल होता है जिसे ऊपर से कवर करके चारों तरफ से खुला छोड़ दिया जाता है। ऊपर से इसलिए कवर करा जाता है ताकि इसमें पानी ना जा सके। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेन के ऊपर ये स्क्वायर या गोल टाइप के बॉक्स क्यों होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके। अगर आप हमारे डिफरेंट जानकारी चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ और आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।